एक घना जंगल है। उस जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा, एक मैना तोता, एक शारदा चिड़िया तीन मित्र रहते थे। थोड़ी दूर में और एक पेड़ पर एक चील रहती थी। उस चील को भूख लगने पर इन तीन मित्रों के बच्चों को खा लेती थी। इस चील का सामना करना उन तीनों से नहीं होता था। वह चील उनके बच्चों को खाने के सिवा उनके पास जाकर, हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी, पर ठीक समय नहीं मिला, आज थोड़ा सा टाइम मिला। तुम अपने बच्चों को क्या खिलाते पता नहीं, बहुत स्वादिष्ट रहते हैं, उनको खाते मैं बहुत खुश रहती। तू राक्षस चील, हमारे बच्चों को खाकर और हमसे ही बोल रही हो कि वो स्वादिष्ट हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब छोड़ दो, मैं तुम्हारे बच्चों को खाकर अगर ये विषय और एक चील या सांप को बोलूं, तो वो भी मेरे साथ खाने को आएंगे। हाँ, यदि मैं तुम्हें बोलूं तो तुम रोने के सिवा कुछ नहीं करते। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अभी हमें गुस्सा आने से कोई लाभ नहीं, उसके लिए बुद्धि बल के साथ साथ ताकत भी चाहिए, इसलिए हमको ज्यादा स्ट्रांग होना है। हमें मांसपेशियों का ताकत बढ़ाना है। हम सिक्स पैक्स के लिए ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे? मैं बताऊंगा, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, वो हमको और हमारे साथ सबको उपयोग होगा। वो है फिटनेस सेंटर। वो रखने के लिए बहुत पैसे चाहिए ना? हाँ चाहिए, मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ ना। हम अपने बर्ड्स बैंक से लोन लेते हैं, उन पैसों से एक जगह पर कौवे का फिटनेस सेंटर ओपन करते हैं। वाओ, उससे अच्छी सेहत के साथ बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। किसी न किसी दिन चील का नाक टूटना कायम है। इस तरह तीनों बात करके एक दिन बर्ड्स बैंक जाके मैनेजर से मिलते हैं। उनकी बिजनेस के बारे में पूरा बोलते हैं। उससे वह मैनेजर सब क्लियर है करके लोन अप्रूवल करता है। वो पैसों से फिटनेस सेंटर ओपन करने के लिए पूरा सामान लाके एक बड़ा पेड़ पर छोटे छोटे घोंसले बनाकर एक एक घोंसले में एक एक फिटनेस आइटम रखते हैं। एक रूम में ट्रेडमिल्स और एक रूम में स्टेशनरी साइकिल्स, तीसरे रूम में डंबल्स, चौथाई रूम में बारबल्स, पांचवा रूम में लेग वर्कआउट मशीन्स और छाती व्यायाम मशीन्स रख के उस घोंसलों के बाहर नाम लिख के रखते हैं। फिटनेस सेंटर को आए चिड़िया, पक्षियां, कौवे, तोते, जिसको जो करना है वो करके चले जाते हैं। उस जंगल में तीनों मित्र कहीं कहीं पर फिटनेस का बोर्ड रखते हैं। जंगल में रहे पक्षियां, चिड़िया सब वो बोर्ड देख के उधर जाके देखते हैं। सब कुछ अच्छा रहने के वजह से कौवा फिटनेस सेंटर बहुत फेमस हो जाता है।